नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं आया हूं आपके सामने माणिक रत्न के ऊपर एक नया एपिसोड लेकर। आज की परिचर्चा में हम बात करेंगे माणिक रत्न धारण करने के उपरांत साधक को किन किन विषयों में लाभ पहुंचाता है और माणिक रत्न सूट ना आने पर, अनुकूल ना पड़ने पर, प्रतिकूल होने पर किस किस प्रकार की हानि कर सकता है। माणिक रत्न किन राशि एवं लगन वाले जातकों को धारण करना चाहिए, किन राशि वालों को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, किस देश का माणिक सबसे अच्छा होता है, तमाम तरह की चर्चा होगी। लेकिन मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा माणिक रत्न के विशेष फायदे। साथियों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में अविलंब आगे बढ़ते हैं। काल पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम और दशम भाव के कारक होते हैं। माणिक रत्न धारण करने से व्यक्ति का शारीरिक बल बढ़ता है। यदि आपको बचपन से ही कमजोरी फील होती है या किसी बालक का जो स्वास्थ्य है वह यथासंभव उसका विकास नहीं हो रहा है तो माणिक रत्न पहनना चाहिए। माणिक रत्न पहनने से व्यक्ति के शरीर का बेहद विकास होता है। कर्म स्थान के स्वामी भी सूर्य हैं तो सरकारी जितने भी काम हैं, सरकारी ठेकेदार हैं आप या सरकारी नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं या अन्य सरकार से किसी प्रकार का कोई भी लाभ चाहते हैं तो आपको माणिक अवश्य पहनना चाहिए। यदि आप नेता हैं या नेतागिरी करना चाहते हैं, राजनीति में आना और राजनीति में सफल होना आपका सपना है तो माणिक राजनीति में विशेष सफलताएं दिलाता है। राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आपको माणिक पहनना चाहिए। साथियों, माणिक रत्न सिर संबंधित समस्त प्रकार के रोगों को ठीक करता है। आपको आँखों से संबंधित छोटी बड़ी कोई भी समस्या है तो आपको अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर माणिक रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायते श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायते। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को नेत्र कहा गया है। हमारी ज्योतिष में नेत्र ज्योति के तीन कारक ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, उसमें सूर्य मुख्य है। सिंह राशि का अधिकार हृदय प्रदेश में होने से हार्ट संबंधित समस्याओं में भी माणिक लाभ करता है। निश्चित रूप से पाचन शक्ति पर इस रत्न का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने स्वयं कुछ समय के लिए अनुभव किया है, अच्छा माणिक रत्न पहनने से व्यक्ति को नींद और भूख दोनों ही बढ़ जाती है। नींद और भूख के बढ़ जाने से स्वभावतः व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह ठीक हो ही जाएगा। एक शुद्ध और ट्रांसपेरेंस एक अच्छा माणिक महंगा रत्न है। एक कहावत है कि माणिक की दलाली में हीरा आ जाता है। माणिक की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसका कोई समुद्र की तरह है, जितना ट्रांसपेरेंस होगा जितना ज़्यादा कलरफुल होगा और नेचुरल होगा। आप जो माणिक पहने आपका माणिक किसी भी कीमत में ट्रीटमेंट वाला नहीं होना चाहिए, नेचुरल माणिक होना चाहिए। एक अच्छे नेचुरल माणिक की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। साथियों, इस दुनिया में सबसे जो बढ़िया माणिक है वह माणिक ओल्ड बर्मा माइन से आता है। उसके बाद में साउथ अफ्रीका माइन भी का जो माणिक है वह भी बेहतर माना जाता है। इंडियन माइंस के जो माणिक हैं आमतौर पर ट्रांसपेरेंट नहीं होते, लेकिन अगर उनमें ट्रांसपेरेंसी है तो वह भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है। साथियों, रत्न का जो रिजल्ट है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा रत्न पहने, समय पर सस्ता रत्न भी आपने पहना है तो वह भी आपको डेफिनेटली लाभ करेगा। माणिक रत्न रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक सूर्य की होरा में अंगूठी को
दूध और गंगा जल में डुबो करके रखें ओम घृणी सूर्याय इस मंत्र का जाप करके अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। उसके उपरांत गायत्री मंत्र का एक माला जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। माणिक्य धारण करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल रविवार के दिन सूर्योदय के समय पक्षियों को कुछ मीठा भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे माणिक रत्न की शक्ति बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं माणिक रत्न किन किन राशि एवं लगन वाले जातकों को बनाता है करोड़पति अरबपति योग। साथियों, यदि आपकी मेष राशि है, आपकी कुंडली में पांचवें घर के स्वामी हो जाते हैं सूर्य, मेष लगन एवं मेष राशि से यंत्र मंत्र तंत्र में सफलता प्राप्ति के लिए, एकाग्रता के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, पढ़ाई करते समय आपका मन एकाग्र नहीं होता या पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहता, तमाम तरह की समस्याओं के लिए आप माणिक पहन सकते हैं। मेष लगन वाले संतान प्राप्ति के लिए भी माणिक पहन सकते हैं। वृषभ लगन से चौथे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। आप अनेकों प्रयास करने के बाद भी आपको भूमि की प्राप्ति नहीं हो रही, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए वृषभ लगन वालों को माणिक पहनना चाहिए। साथियों, यदि जीवन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने के उपरांत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के उपरांत भी आपके जीवन में सुविधाएं हैं, पैसा है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो आपको माणिक पहनना चाहिए। मिथुन लगन एवं राशि वाले जातकों को अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ही माणिक पहनना चाहिए। माणिक रत्न सबसे ज़्यादा लाभ करता है तुला लगन वाले जातकों को। आपके इनकम के स्वामी सूर्य हैं। माणिक पहनने से इसका सीधा प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ता है और कलयुग में इनकम का अच्छा खासा महत्व जीवन में माना जाता है। वृश्चिक से दशम भाव के कर्म स्थान के स्वामी सूर्य होते हैं। व्यापार में उन्नति के लिए और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको माणिक पहनना चाहिए। धनु लगन एवं राशि वाले जातकों का तो भाग्य रत्नी माणिक है। साथियों, माणिक पहनने से आपको कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ होने वाले हैं। माणिक रत्न आपके जीवन में चार चांद लगा देगा, आपके व्यापार में चार चांद लगा देगा। माणिक रत्न पहनने से आपका शारीरिक बल, मानसिक बल बढ़ेगा। शास्त्र कहता है आत्मा जगत अस्तस्थु खश्च, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और व्यक्ति के अंदर यदि आत्मबल नहीं है, समस्त प्रकार का बल होता होना जो उसके अंदर है वह सब बेकार हो जाता है। विल पावर के बिना, आत्मिक शक्ति के बिना आप जीवन में कतई भी आगे नहीं बढ़ सकते। कामना करता हूँ माणिक रत्न के विषय में जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।